सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन पार्ट कराने लगी हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, इसका इंट्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड आप इस इंट्रोडक्शन को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज को आप इजिली कर पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक इज, ये हमें एंगल दे रखा है, एंगल ए बी सी, राइट। सो इसकी कितनी साइड्स है हमारी? 3 साइड्स है, राइट। इसकी कितनी साइड्स है? 3 साइड्स है, राइट। दिस नेक्स्ट इज, इसमें वर्टेक्स भी है। वर्टेक्स कितने हैं हमारे? 3 वर्टेक्स है। नेक्स्ट इज एंगल। सो स्टूडेंट, आप किस तरह से बता पाओगे कि साइड्स क्या होती है, वर्टेक्स क्या होती है एंड एंगल क्या होते हैं, राइट। सो स्टूडेंट, जिस तरह से साइड है, फॉर एग्जाम्पल ए बी क्या है? साइड है, राइट। नेक्स्ट इज बी सी, ये भी हमारी साइड है। नेक्स्ट इज ए सी, राइट। सो ये एंगल कितनी साइड्स होती है हमारी? 3 साइड्स होती है। सिमिलर नेक्स्ट इज वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये क्या होता है हमारा? मींस पॉइंट, ठीक है, मींस जिसे हम कहते हैं कॉर्नर, राइट। सो इसके कितने कॉर्नर है? 1, 2, 3, जैसे ए बी एंड सी, ये क्या है? इसके वर्टेक्स है, राइट। सिमिलर एंगल, अब इससे रिलेटेड हमारे एंगल भी बन सकते हैं, राइट। सो 3 टाइप्स की हम एंगल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगल ए बी सी, नेक्स्ट एंगल BCA एंड नेक्स्ट इज BAC। ओके स्टूडेंट, सो ये हमारा एंगल है, इसकी साइड वर्टिक्स एंड हम एंगल्स को अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। सो सिमिलर, चलिए स्टूडेंट इसका हम नेक्स्ट टॉपिक को करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। सो स्टूडेंट, मीडियन होता क्या है? स्टूडेंट, जिस तरह से ये हमारा एंगल है तो इस एंगल में मीडियन का क्या रोल है? इट मींस मीडियन हमारा क्या कहलाता है? मिड पॉइंट, राइट। सो मीडियन हमारा बीसी का क्या होगा? मिड पॉइंट, राइट। सो दिस वन, ये क्या है? मीडियन। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिया डी। सो ये हमारा क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट। इट मींस जो एडी है वो किसका मीडियन होगा? बीसी का, बिकॉज ये यहां से भी इक्वल है और इस साइड से भी इक्वल है। बीडी एंड डीसी ये दोनों इक्वल है, सो ये इसका क्या कहलाएगा? मीडियन, राइट। सो एडी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, राइट। सो स्टूडेंट, जो डी है ये क्या कहलाएगा? हमारा मीडियन, राइट। सिमिलर नेक्स्ट टॉपिक इज एल्टीट्यूड। अब स्टूडेंट, एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड भी हमारा सिमिलर मीडियन की तरह ही होता है, बट जिस तरह से मैंने यहां पे एक एंगल ड्रॉ करा है, राइट, इस एंगल का मैंने नेम दे दिया ए बी सी, राइट। एल्टीट्यूड हमारा स्ट्रेट होता है। एल्टीट्यूड हमारा कैसा होता है? एकदम स्ट्रेट होता है, मींस राइट एंगल के जितना होता है। सो जो यहाँ पे मैंने डी लिखा, अब आप बोलोगे कि ये मैम मीडियन और एल्टीट्यूड ये तो हमारा सेम हो गया, बट इसमें हमारे डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? कि मीडियन जो होता है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है, बट एल्टीट्यूड क्या होता है हमारा? ये हमारा मिड पॉइंट नहीं है। व्हाई? बिकॉज आप जिस तरह से यहाँ पे देख भी रहे होंगे, यहाँ पे बी डी एंड डी सी में गैप है, राइट। सो ये हमारा क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड। सो एडी हमारा क्या है? एडी इज अ एल्टीट्यूड ऑफ बी सी, राइट। सिमिलर इस पार्ट में भी हम इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच दी, राइट। मीडियन की तो ये तिरछी लाइन है, बिकॉज मीडियन यहाँ क्या होता है? हमारा मिड पॉइंट होता है, बट एल्टीट्यूड हमारा कैसा होता है? एकदम स्ट्रेट होता है, मींस राइट एंगल का। सो जिस तरह से मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया ए, सो यहाँ पे जो ए ई है ये हमारा एल्टीट्यूड कहलाएगा, किसका? बीसी का,